नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड आर्म पुलिस बोकारो के द्वारा टोटल 530 पोस्ट के लिए नियुक्तियां निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि आप ये फॉर्म कब तक भर सकते हैं, ये फॉर्म आप ऑफलाइन भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन, क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी कितनी है और कौन कौन से पोस्ट के लिए टोटल कितने नियुक्तियाँ निकाली गई है झारखंड आर्म पुलिस बोकारो के द्वारा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे इसी तरह के सरकारी जॉब के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोटिस आपका समादेष्टा का कार्यालय झारखंड सशस्त्र पुलिस बोकारो के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस नोटिस में क्या है, सारे डिटेल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों, झारखंड सशस्त्र पुलिस बोकारो के द्वारा दफ्तरी, रसोईया, जलवाहक, झाड़ू का नाई, धोबी, ये सारे पोस्ट के लिए टोटल 530 वैकेंसियाँ निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पे दफ्तरी पोस्ट के लिए जिसका सैलरी है 18,000 और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, और रसोईया के लिए जिसका सैलरी भी 18,000 है और इसमें सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 77 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए टोटल 14 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 49 पोस्ट हैं, BC1 के लिए 9 और BC2 के लिए 13 पोस्ट हैं। टोटल इसमें रसोईया के लिए 162 पोस्ट झारखंड सशस्त्र पुलिस बोकारो के द्वारा निकाला गया है। इसी तरह दोस्तों, जलवाहक, झाड़ू का नाई, धोबी, इन सारे का सैलरी आपका 18,000 ही है, सेम सैलरी है और ये आपके कैटेगरी के अनुसार सारे वैकेंसियाँ दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए टोटल कितने वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल मिला के 530 वैकेंसियाँ निकाली गई है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें हम एज की बात करें कि कितने एज के लिए कौन से कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, तो सामान्य जाति के लोग 18 से 25 वर्ष के बीच वाले भर सकते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग 18 से 27 वर्ष वाले लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यानी ST और SC कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और महिला, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ये अब 18 से 30 वर्ष के बीच में वाले महिला इसमें इन सारे पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकती है। दोस्तों, अगर इसमें बात किया जाए क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। झारखंड बोर्ड के द्वारा आपको 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका 10th लेवल का ये है दोस्तों। दोस्तों, इसमें फिजिकल मेजरमेंट कुछ दिए गए हैं इन सारे पोस्टों के लिए। आपको जनरल कैटेगरी वालों का ऊँचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ऊँचाई 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर और ST और SC कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट की ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता ही दिया कि 10th पास होना चाहिए और इसमें अगला इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आवेदन पत्र आप 1/9/2018 से 24/9/2018 तक, यानी कि 1 सितंबर 2018 से 24/9/2018 तक समादेष्टा झारखंड सशस्त्र पुलिस बोकारो नियर उकरीद बस्ती पोस्ट सेक्टर 12 पिन नंबर 82/17/12 जिला बोकारो के कार्यालय में दोस्तों आप 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाथों हाथ या फिर पोस्ट के द्वारा इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरा जाएगा, इस ये फॉर्म आपका ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं दी गई है। आप ये फॉर्म आपको बोकारो जो ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप फॉर्म को हाथों हाथ या फिर पोस्ट के जरिए यहाँ पे इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। दोस्तों, दिनांक 9/2018 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पे विचार नहीं किया गया जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 24/9/2018 से पहले ही अगर आप इन सारे पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 24/9/2018 के पहले ही सारे फॉर्म को आप पोस्ट कर दें या फिर वहाँ पे खुद जाके जमा कर दें। दोस्तों, अगर आप पोस्ट के जरिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिफाफा के ऊपर आवेदक पद का नाम आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये जरूर ही लिफाफे के ऊपर जरूर ही लिखें दोस्तों। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको सभी पदों की जाँच परीक्षा झारखंड सशस्त्र पुलिस सेक्टर 4 बोकारो नियर उकरीद बस्ती पोस्ट सेक्टर 12 पिन नंबर 82/17
8272 जिला बोकारो के परिसर में लिया जाएगा। आपका जो भी शारीरिक एवं व्यवहारिक जाँच होगा इस एड्रेस पर लिया जाएगा। दोस्तों जांच की परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कर दी जाएगी। दोस्तों इसका इस नोटिस का आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके सारे नोटिस को एक बार आप पुनः खुद से बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लें। दोस्तों अगर फिजिकल टेस्ट के लिए आपको सभी पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए एक मील क्वालिफाई 10 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा, यानी कि एक मील दौड़ना होगा आपको 10 मिनट में। दोस्तों दौड़ परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को लिखने पढ़ने के ज्ञान से संबंधित 10वीं स्तर की लिखित परीक्षा ली जाएगी जो 50 अंकों की होगी, जिसमें से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो मात्र क्वालिफाइंग होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको सबसे पहले दौड़ाया जाएगा, दौड़ होगा आपको एक मील 10 मिनट के लिए। उसके बाद अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा जिसमें 50 अंकों की होगी और इसमें 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा और ये आपको 10वीं लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। शारीरिक जांच एवं लिखित जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का ही व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा। जो लोग लिखित परीक्षा में भी पास हो जाएंगे उनका ही व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा। जो व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के बाद वो आपका टोटल 100 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों आप फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है, तो आपको मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक पास पासिंग सर्टिफिकेट का जेरॉक्स आपको सबमिट करना है, साथ में अटैच करना है फॉर्म के साथ। और जब आपका अंतिम जब चयन हो जाएगा तो तब वहाँ पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों शारीरिक जांच के समय आपको 2 फोटो साथ में ले जाना है। दोस्तों आवेदन में आप कोई हाल ही का कोई फ़ोटो सेल्फ सिग्नेचर फोटो आवेदन में चिपकाएंगे। दोस्तों झारखंड सशस्त्र पुलिस बोकारो के द्वारा ये फॉर्म जो 530 निकाला गया है, इसमें जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी दोस्तों मैंने एक एक करके सारा इम्पोर्टेंट जानकारियों को मैंने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों आप इसी फॉर्म को भर के ऑफलाइन जाके आपको ऑफिस में जमा करना है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के जरिए जो एड्रेस दिया गया था बोकारो का उस पर आपको जाके जमा करना है। दोस्तों इसका पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम से आप इस फॉर्म को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।